हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं आज आप लोगों से अपना मॉर्निंग का रूटीन शेयर करने जा रही हूँ। तो किचन मैंने रात में ही क्लीन कर लिया था, सुबह उठने के बाद मैं एक बार और गीले कपड़े से पोंछ दूंगी। इससे अच्छा रहता है कि कभी कभी हम ऐसा होता है ना कि खाना बनाते हैं तो हम लोग कलछुल वगैरह जो है किचन पे ही रख देते हैं, तो फिर हमें पता नहीं रहता ना कि रात में इसमें कॉकरोच चींटी वीटी चल के जाते हैं। तो एक बार जब कपड़ा मार लेते तो अच्छा रहता है। तो सबसे पहले मैंने अपने पीने के लिए गर्म पानी कर लूंगी और उसके बाद साइड बाय साइड में चाय भी रख दूंगी। तो चाय मेरी जब तक बनती है तब तक मैं अपना पानी पी लूंगी। और गाइस, मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि क्यों मेरे इतने सब्सक्राइबर होने के बाद भी मेरे चैनल पे व्यूज नहीं आते। तो जो गलती मैंने की है, तो मैं आशा करती हूँ कि वो गलती आप ना करो। इसके लिए मैं आज ये वीडियो शेयर कर रही हूँ कि जो गलती मैंने अपने चैनल पे की है वो गलती आप मत करना, नहीं तो आपका चैनल टर्मिनेट हो सकता है, डिलीट भी हो सकता है। तो मैं आज आप लोगों से वो चीज़ शेयर करने जा रही हूँ। मैंने अपना चैनल ओपन किया था 2017 में। उस वक्त मतलब मैंने वो मेरा ओल्ड ही चैनल था, मैंने ऐसे कुछ सोच के नहीं चैनल खोला था। बस मैं एक दिन ऐसे ही वीडियो डाली और उस पर कुछ 100-200 व्यूज आ गए। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मैं कुछ अपना वीडियोस डालती हूँ और मेरे व्यूज आने लगे और मेरे सब्सक्राइबर भी गेन होने लगे। उस टाइम पे ये शॉर्ट्स वगैरह नहीं थे, शॉर्ट्स तो अभी जल्दी आए हैं, उस टाइम पे मेरे शॉर्ट्स वगैरह नहीं, ऐसी लॉन्ग वीडियो ही चलते थे। तो मैं लॉन्ग वीडियो ही डालती थी और वो मेरे खुद के कंटेंट नहीं होते थे, लाइक कोई सीरियल हो गया या कुछ और हो गया। तो मैं जो जो चीज़ ट्रेंडिंग पे चल रही थी, सीरियल्स वगैरह, तो मैं उसके कंटेंट डालती थी और लाइक पिक्चर्स डालती थी, कुछ कुछ क्लिप डालती थी। तो मतलब वो काफ़ी ज़्यादा वायरल होने लगे और मेरे सब्सक्राइबर भी गेन होने लगे। तो मुझे उस टाइम पे ऐसा नहीं था कि हाँ मुझे यूट्यूब से कुछ अर्न करना है, कुछ मेरे को यूट्यूब से चाहिए। मैं बस मुझे व्यूज आ रहे थे तो मैं अपना वीडियो डालती रही थी और मैं कुछ ज़्यादा ही मतलब इसमें इन्वॉल्व होने लगी और अच्छे अच्छे वीडियोस डालने लगी, अच्छे अच्छे सीरियल्स के क्लिप्स डालने लगी और अच्छे अच्छे सॉन्ग डालने लगी। तो मतलब मेरा वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल भी होने लगा था। तो इसी तरह से मैं फिर वीडियो डालने लगी। और सच्ची बताऊँ, कभी कभी ऐसा होता है ना कि अगर आपके चैनल्स पे वीडियो डाल रहे हो आप और आपके व्यूज़ अच्छे खासे आते हैं, तो फिर आपको भी मन होता है कि हाँ चलो हम और वीडियोस डालते हैं और लाइक मिलेगा और सब्सक्राइबर हमारे गेन होंगे। तो उस टाइम पे मेरे साथ ऐसा हुआ कि मतलब मुझे पता नहीं था उतना यूट्यूब के बारे में कि हाँ यूट्यूब पे वीडियोस डालते हैं तो फिर हमें अर्निंग होती है, और मतलब कि कौन सा कंटेंट डालना चाहिए कौन सा कंटेंट नहीं डालना चाहिए। मुझे ऐसा कोई बताने वाला भी नहीं था, कि मतलब मेरे हस्बैंड भी थे तो उनको भी उस बारे में कुछ नॉलेज नहीं था। और मैं तो बस वीडियोस डालती थी और मुझे व्यूज आते थे तो मैं उसमें ही खुश हो जाती थी। और मैं डेली मतलब इतना इसमें इन्वॉल्व हो गई थी कि मैं यहाँ से क्लिप उठाती थी, कभी इंस्टाग्राम से, कभी कहाँ से, मतलब छोटे छोटे क्लिप उठा उठा के मैं डेली मतलब घंटों घंटों बैठ के वीडियो एडिट करती थी और फिर उस पर अच्छे खासे व्यूज आते थे तो मैं उसी से ही खुश हो जाती थी। फिर मुझे बाद में मतलब पता चला कि हाँ कि मतलब ये सब वीडियो डालने से अपने हमें अर्निंग नहीं आती है, हमें खुद के अपने कंटेंट डालने पड़ते हैं, हमें किसी और के कंटेंट डालने से या तो वो रीयूज्ड कंटेंट हो जाते हैं या तो फिर चैनल हमारा पे हमारे चैनल पे स्ट्राइक आ सकता है। तो ऑलरेडी मेरे चैनल पे 2 स्ट्राइक आ चुके हैं, लेकिन वो 2020 की बात है, अभी तो खैर 2024 चल रहा है। उसके बाद से फिर मैंने मतलब 2020 के बाद से मैंने वीडियोस बनाना छोड़ दिया। मतलब जब से मुझे पता चला है कि मतलब ये सब वीडियोस बनाने से अर्निंग नहीं आती, तो फिर मैं थोड़ा मतलब सैड हो गई थी कि यार मैं इतने मतलब मेहनत कर रही हूँ ये सब चीज़ पे और जब इस पे अर्निंग ही नहीं आएगी तो फिर मुझे क्या मतलब है सब वीडियोस बना के। तो फिर मैं वीडियोस बनाना छोड़ दी थी। उस समय तक मेरे 77K सब्सक्राइबर हो चुके थे
और मतलब मैं वीडियोस नहीं भी बनाती थी तो जो मैंने वीडियोस अपलोड किए थे उस पे भी अच्छे खासे मेरे डेली व्यूज आते थे। मतलब मेरा चैनल कभी भी डाउन नहीं गया, हमेशा ऊपर ही चलता रहा, मतलब कभी डाउन नहीं हुआ। तो मतलब फिर भी मुझे बहुत खुशी मिलती थी कि हाँ चलो यार सब्सक्राइबर तो मेरे गेन हो रहे हैं। तो ऐसे करते करते मतलब मेरे 80K सब्सक्राइबर हो चुके थे। फिर उसके बाद 2 साल 3 साल ऐसे ही बीत गए। तो फिर मैं अभी 2023 में फिर मैं सोची कि घर बैठने से ऐसे तो कुछ होता नहीं है, और मेरी भी 2 बेटियां हैं और हस्बैंड कितना ही काम करेंगे। तो उन्होंने ही मुझे मतलब सजेशन दिया कि तुम्हारा यूट्यूब चैनल है, तुम अपने खुद के कंटेंट डालो, तुम रेसिपी के वीडियोस डालो। तो मैं फिर सोची यार चलो फिर ये भी ट्राई कर सक करके देख लेते हैं, क्या पता सक्सेस मिल जाए। तो फिर मैं ऐसे ही डालना धीरे 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 शॉर्ट्स बनाना चालू कर दी। तो स्टार्टिंग में सच्ची बोलूँ तो मेरे व्यूज नहीं आते थे। फिर एक दिन ऐसे ही एक शॉर्ट्स मेरा वायरल हुआ, 1,000 व्यू आए। फिर मैं काफी ज्यादा खुश हो गई थी कि हाँ चलो ठीक है, ऐसे वीडियोस बनाते हैं तो फिर मतलब हाँ व्यूज आते हैं। तो फिर मतलब पहले कैसा ना कि मुझे ये पता था कि मतलब मैं लंबा चौड़ा रेसिपी बना रही हूँ, तो मतलब उसको एडिट करते 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 भी वो कितना ही हम एडिट करेंगे तो 1 मिनट की जो वीडियो मेरी बन ही जाती थी, तो 1 मिनट की वीडियो मैं एडिट करके शॉर्ट्स पे डालती थी तभी भी उस पे व्यूज नहीं आते थे। कुछ 80-90 व्यूज ऐसे आने लगे। तो फिर मैं एक दिन ऐसे यूट्यूब पे देख रही थी स्क्रॉल कर कर कि लोग वीडियोस कैसे बनाते, तो मैंने देखा कि ज्यादा से ज्यादा 30 सेकेंड्स या 40 सेकेंड्स के ऊपर कोई वीडियो बनाता ही नहीं था। और स्टार्टिंग में ही मतलब ऐसा वीडियो बनाना चाहिए कि हाँ पब्लिक रुके, तुम्हारे चैनल पे रुके और देखे, उनको इंटरेस्टिंग लगे। पर मेरे साथ ऐसा होता ही नहीं था। पब्लिक देखती थी, आती तो थी बट 1 सेकेंड 2 सेकेंड देख के फिर स्क्रॉल कर देती थी। तो फिर यूट्यूब भी क्या करता था कि उसको मतलब शॉर्ट स्पीड में बढ़ाता ही नहीं था, वो मेरा उधर स्टक हो जाता था। लाइक 100-200 व्यूज आते थे, फिर उसके ऊपर व्यूज ही नहीं आते थे। तो मतलब ऐसा लगता था कि यार इतना मेहनत करके वीडियोस बनाओ, एडिट करो, फिर उसपे व्यूज ही नहीं आते थे। तो फिर मैं एक दिन ऐसे ही यूट्यूब पे देख ही रही थी तो एक पराठा का वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा था, तो मैंने भी ऐसे पराठा बना के डाल दिया। और मतलब आप लोग यकीन नहीं करोगे, आप लोग अभी भी मेरे चैनल पे जाके देखोगे तो 55 लाख, मतलब 55 लाख व्यूज मेरे पराठे की वीडियोस पे आए, और जिसपे मैं इतने मेहनत कर करके वीडियोस बनाती थी उस पे व्यूज ही नहीं आए, और एक पराठे की वीडियोस पे इतने और ज्यादा व्यूज आए। तो मतलब मैं खुश हो गई कि यार लोगों को क्या देखना पसंद आता है, तो मेरे को समझ में आने लगा। तो फिर मैं उसी टाइप के पराठे ही मतलब कुछ दिन में वैसी अलग अलग टाइप के पराठे बनाती थी, और अलग अलग सॉन्ग्स डालती थी, जो सॉन्ग्स ट्रेंडिंग पे चल रहा है, जो वायरल हो रहा है वीडियोस, जो चीज ट्रेंडिंग पे चल रही है, मैं उसी हिसाब से फिर अपना वीडियोस बनाती रह गई। तो अब कैसा होता है ना कि हमारा न्यू चैनल होता है ना तो उसपे ज्यादा ही यूट्यूब उस पर ज्यादा ध्यान देता है कि वो चैनल जल्दी ग्रो होने लगते हैं। और मेरा चैनल जो था वो 2017 का था, तो मतलब मेरे चैनल पे अभी एड्स भी नहीं आते, और मेरा एक बार चैनल डीमोनेटाइज भी हो चुका है। तो गाइस आप लोग प्लीज मुझे सपोर्ट करो कि मैं अपना चैनल फिर से मोनेटाइज कर सकूं। बस इसके लिए मैंने अपना ब्लॉगिंग का चैनल स्टार्ट किया है, तो आप लोग प्लीज मुझे सपोर्ट करो ताकि मैं भी कुछ सक्सेस कर पाऊँ अपनी लाइफ में। और 96K सब्सक्राइबर हो चुके हैं मेरे, लेकिन मेरे व्यूज नहीं आते। मुझे बस उसी बात का बहुत ज्यादा अफसोस होता है, क्योंकि मेरे जो वो सब्सक्राइबर है वो मेरे कुछ और ही वीडियोस देखना चाहते हो और मैं कुछ और वीडियोस डालती हूँ। तो मतलब कई बार तो ऐसा होता है कि लोग सब्सक्राइब करते हैं फिर सब्सक्राइब करके भी चले जाते हैं, अनसब्सक्राइब करके भी चले जाते हैं। तो समझ में नहीं आता है कि क्या करें। कभी कभी डीमोटिवेट हो जाती हूँ मैं, बट क्या करूँ। मैं अब सोच रही हूँ कि मैं रेगुलर वीडियोस डालूँ, व्यूज आएंगे तो ठीक है, नहीं आएंगे तो भी ठीक है।
तो मैं आप लोगों से बस इतना ही बोलना चाहती हूँ कि अगर आप लोग सच में YouTube पे वीडियोस डालना चाहते हो तो आप लोग अपना खुद का नया चैनल ही ओपन करें और पुराने चैनल पे बिल्कुल भी काम ना करें। मैं पुराने चैनल पे इसलिए काम कर रही थी क्योंकि मेरे ऑलरेडी उस पे 80K सब्सक्राइबर हो चुके थे और मैं उसे छोड़ना नहीं चाहती थी, इसके लिए मैंने उस पे कंटिन्यू किया। लेकिन अगर आप लोग अपना मतलब चैनल ओपन कर रहे हैं तो आप लोग नए चैनल पे ही काम कीजिए, पुराने चैनल पे काम बिल्कुल भी मत कीजिए। नए चैनल जो होते हैं वो जल्दी ही ग्रो होने लगते हैं और पुराने चैनल ग्रो नहीं होते, मेरे चैनल पे ऐड भी नहीं आते हैं। बट जो चैनल न्यूली ओपन हुए रहते हैं कुछ दिनों में बाद उन पे ऐड आना भी चालू हो जाता है, लेकिन मेरे चैनल पे अभी तक ऐड भी नहीं आता है। तो मुझे कभी कभी समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं, मतलब अपने चैनल पे काम करूं या छोड़ दूं, नया चैनल ओपन करूं। फिर सोचती हूँ कि यार इतने सब्सक्राइबर हो चुके हैं मेरे, तो मैं थोड़ा मेहनत कर लेती हूँ, क्या पता मेरा भी चैनल ग्रो होने लगे। और गाइज मेरा ये वीडियो बनाने का बस यही मोटिव है कि जो गलती मैंने की है वो गलती आप लोग मत करो। इसके लिए मैंने सारी इस वीडियो में यही सब बताया है कि ये आप अगर यूट्यूब पे आना चाहते हो तो अपना खुद का वीडियोस डालो, अपना खुद का कंटेंट डालो और न्यू चैनल ओपन करके ही वीडियो डालो। तो चलिए गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज मुझे सपोर्ट करिए। प्लीज गाइस थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।